श्रीदेवी और जयाप्रदा दोनों ही एक्टिंग से लेकर डांस में माहिर थी और दोनों ही बेहद खूबसूरत थी। ऐसे में श्रीदेवी और जया जी के बीच बहुत बड़ा कंपटीशन था। श्रीदेवी और जयाप्रदा जी ने लगभग एक ही समय में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और तो और दोनों साउथ इंडस्ट्री से आती थी, तो ऐसे में दोनों के बीच और भी ज्यादा अनबन थी कि कौन बॉलीवुड में पहले अपनी जगह बढ़िया बनाएगा। और ऐसा भी हुआ जब बॉलीवुड में ये दोनों अभिनेत्रियां अपनी अपनी जगह बनाने पे अच्छा काम कर रही थी, तब दोनों को साथ में काम करने का मौका भी मिला था और जया और श्रीदेवी जी ने साथ काम करने से मना भी नहीं किया था। लेकिन दोनों एक दूसरे से शूटिंग के दौरान भी बात नहीं किया करती थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कैसी भावनाएं रही होंगी। मवाली, तोहफा, मकसद और औलाद जैसी हिट फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया था, पर मजाल जो कभी किसी ने श्रीदेवी और जया जी को किसी ने बात करते हम एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हुए देखा हो। जया प्रदा जी ने श्रीदेवी जी की डेथ के बाद कुछ बातों को साझा करते हुए कहा कि श्रीदेवी जी के साथ कभी उनकी ठीक से बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हमारी केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन कभी बन ही नहीं पाई। सेट पर कई बार हमें साथ खड़ा किया जाता था, मिलवाया जाता था, पर हम दोनों ही एक दूसरे से मिलकर अपने अपने काम पर लौट जाती थी। और तो और एक बार जितेंद्र जी ने भी दोनों की बात करवाने की कोशिश के चलते मकसद फिल्म के सेट पर दोनों को साथ बिठाया था और राजेश खन्ना जी भी चाहते थे कि वे दोनों बात करें। ऐसे में उन दोनों को इन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था। उनका ख्याल यह था कि एक रूम में शायद दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, पर वे दोनों वहां पर कोई बात नहीं की। जया प्रदा जी का कहना है कि उन्हें इस बात का बेहद दुख था कि उन्होंने श्रीदेवी से कभी बात ही नहीं की और आज वो हमारे बीच भी नहीं है। इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच अनबन की वजह एक फिल्म नगीना भी थी, क्योंकि नगीना में श्रीदेवी जी ने काम जरूर किया था और यह फिल्म बेहद सुपर डुपर हिट भी गई थी। लेकिन इससे पहले यह फिल्म जया प्रदा जी को ऑफर की गई थी, पर न जाने कि डायरेक्टर ने श्रीदेवी जी को कास्ट करने का फाइनल डिसीजन ले लिया था। इसकी वजह से प्रदा जी और भी ज्यादा परेशान थी। बहरहाल आपको ये दोनों अभिनेत्री कैसी लगती है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।